नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कायदे से कहें तो ममता ने 2 मई का इंतजार नहीं किया और हार स्वीकार कर ली। ममता बनर्जी के बारे में ये लगातार नारा दिया जा रहा था कि 2 मई दीदी गई, लेकिन ममता बनर्जी ने 2 मई का भी इंतजार क्यों नहीं किया। भारत में अब तक के इतिहास में मुझे लगता है कि शायद ममता पहली सत्ताधारी पार्टी है जो चुनाव से पहले कह रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। 6 चरणों के चुनाव हुए हैं, 2 चरण के चुनाव अभी बाकी हैं और ये उन इलाकों में होना है चुनाव जो ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। तो आज फिर ममता बनर्जी ने अपने उन गढ़ में होने वाले चुनाव पर इस तरह से भरोसा क्यों खोया। ममता बनर्जी ने यह चुनावी हार क्यों मान ली, हम इसे आज समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे समय में जब पूरी खैराती मीडिया मोदी के पीछे पड़ी हुई है और ये तैयारी करके रख लिया हुआ है कि 2 मई के रिजल्ट के बाद की अखबारों की हेडिंग क्या होगी। आज मैं कुछ खैराती साथियों के सोशल मीडिया पर देख रहा था तो उन्होंने मानो 2 तारीख के लिए अपनी हेडिंग तैयार कर ली है। कुछ खैरातियों ने हेडिंग डाली है कि बंगाल चुनाव मोदी जीत गए, देश हार गया। तो खैरातियों ने पहले इसकी तैयारी कर ली और इसका मतलब है कि दिल्ली में बैठे लुटियन गिरोह के खैरातियों ने ममता तक यह संदेश पहुंचा दिया कि तुम्हारी हार तय हो गई है। आपको आश्चर्य लगेगा, आज ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को यदि आप देखेंगे तो इसमें ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि चुनाव के दिन टीएमसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करवा लेता है चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट जाएंगी ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी ने जिन चीजों को सामने रखा है आपको आश्चर्य लगेगा। पश्चिम बंगाल के लिए में उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव परिणाम का नजदीक आ रहा है ममता बनर्जी की घबराहट बढ़ती जा रही है। एक मीडिया रिपोर्ट आ रही है, ममता बनर्जी कभी चुनाव आयोग पर तो कभी केंद्रीय सुरक्षा बलों पर भी आरोप लगा रही है और लगातार वो हमलावर रुख अख्तियार कर रही है। लेकिन अब चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी ने आयोग के निर्देश पर टीएमसी के नेत कहा है कि आयोग के निर्देश पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। ममता बनर्जी के इस आला दर्जे के खेल को समझने की कोशिश कीजिए। आज जो कोलकाता में जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ममता बनर्जी ने और उसके बाद अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारा, पार्टी कार्यकर्ताओं से बात की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक चुनाव इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि अब वर्तमान चुनाव को समाप्त करने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। ये संदेश अपने आप में, ये टिप्पणी मीडिया के साथ दिए गए कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, ये अपने आप में चीजें क्लियर करता है कि ममता ने 2 मई से पहले ही चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर ली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें शामिल होते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका पर कई सवाल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव एजेंसी ने भाजपा की सहायता करने का कार्य किया है, सत्ता इनकी है, चुनाव आयोग क्या कर लेगा। मतलब छापा वोट नहीं हो जान होने के कारण ममता इस कदर बेचैन हो गई कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मुझे याद नहीं आता कि कोई सत्ताधारी पार्टी इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी कोई हार स्वीकार करता हो। ये पूरा जब मैंने इस रिपोर्ट को देखा तो चूंकि कोरोना देश भर में हो रहा है तो ममता की ये रिपोर्ट गायब है। गायब तो अनिल देशमुख के ऊपर सीबीआई की छापेमारी और FIR भी है। इतनी बड़ी बड़ी खबरें गायब है। सिर्फ खबर केजरी के टुकड़ों पर पलने वाली मीडिया केजरीवाल के महिमा मंडल में लगी हुई है, चाहे वो कोई भी हो। अब इस बात को देखिए, उन्होंने मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करने का कार्य करता है कि टीएमसी के कार्यकर्ता भाजपा के खिलाफ वोटिंग ना करें।
मतलब उन्होंने एक तरह से ये मैसेज देने की कोशिश की है कि चुनाव आयोग ने हमारे कार्यकर्ताओं पर प्रेशर डाल दिया हुआ है। अब आप देखिए कि मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि अगर निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए काम कर रहे हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये बात छठे फेज के बाद करें कि कोई आपत्ति नहीं है तो फिर आपत्ति क्यों है? जब आप कह रही हैं कि कोई आपत्ति नहीं है तो फिर आपत्ति क्यों है? वो कह रही कि मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वे तो सिर्फ भाजपा की मदद करने के लिए काम कर रहे हैं। अब चुनाव आयोग क्या करेगा? यही तो है ना कि छापा वोटिंग नहीं हो पा रही है आपकी। वो तृणमूल कांग्रेस को खत्म कर देना चाहते हैं, कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो टीएमसी को खत्म कर देना चाह रहा है। अब इनका भरोसा किसी पे नहीं है। जिला अधिकारी, उन्होंने कहा जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ विशेष पर्यवेक्षकों की कथित चैट का विवरण दिखाते हुए कहा कि वे अधिकारी हमारे लोगों को चुनाव से पहले ही रात को हिरासत में ले लेते हैं। मतलब ये भूमिका बांधा जा रहा है, और ये इस भूमिका की तुलना आप सीधे प्रशांत किशोर से कर सकते हैं। जैसे प्रशांत किशोर ने एक भूमिका बांध दी, प्रशांत किशोर को यह पता चल गया कि वो हार रहे हैं, वो अपना अपनी अपनी जो दुकान है वो उनकी तबाह हो रही है। अब इसकी तुलना हम प्रशांत किशोर वाले मामले से करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी टीएमसी कांग्रेस को तृणमूल कांग्रेस से बर्दाश्त नहीं करेगी, और चुनाव के बाद ऐसी साजिश और पक्षपातपूर्ण रुख के खिलाफ उच्चतम न्यायालय जाएंगी। ये पूरा खेल जो ममता बनर्जी का है वो ठीक कांग्रेस के चरित्र को लेकर के समझिए कि चुनाव से पहले ईवीएम हल्ला करना, और कहीं यदि जीत गए तो चुप्पी लाद देना, और यदि हार गए तो कहने कि हमने तो पहले ही कहा था कि ईवीएम गड़बड़ है। तो राजस्थान में ईवीएम ठीक रहता है कांग्रेस के लिए, छत्तीसगढ़ में ईवीएम ठीक रहता है, मध्य प्रदेश में ईवीएम ठीक रहता है, और ईवीएम वहां गड़बड़ हो जाता है उत्तर प्रदेश में गड़बड़ हो जाता है जहां जहां कांग्रेस चुनाव हार जाती है। अब इस पूरी चीजों को यदि आप समझने की कोशिश करेंगे तो चीजें एकदम से परत दर परत साफ हो जाएगी। अब जो चुनाव है वो उन इलाकों में है जो ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। अब इसको ऐसे समझिए, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने अपने समर्थकों के साथ संवैधानिक संस्था के खिलाफ उकसावे करते हुए कहा, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी उन्होंने बैठक की कि मैं वीरभूमि मुर्शिदाबाद और मालदा समेत जहां भी चुनाव होने हैं वहां के लोगों से अपील करती हूं कि वहां तैयार रहें, क्योंकि उस तरह की हमें कोविड-19 संक्रमण से लड़ना है, और वहीं दूसरी ओर हमें चुनाव आयोग से भी लड़ना है। किससे लड़ना है? संस्था से, कह रही कि हम चुनाव आयोग से लड़ना है। इस पूरी चीजों को देखते हुए देखेंगे कि चूंकि मुर्शिदाबाद और मालदा में तुष्टिकरण का वोट है, मुर्शिदाबाद और मालदा में उनका थोक वोट है जिनके पास कोई विकल्प नहीं, जैसे दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल का जो वोटर बना उसके पास कोई विकल्प नहीं था, वो पारंपरिक रूप से कांग्रेस का वोटर था, लेकिन वो केजरीवाल का वोटर बन गया। अब इस चीज को समझिए पूरे प्रकरण से। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस किसी को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लेती है, मतलब किसी पर भरोसा नहीं है, मतलब बंगाल की पुलिस पर भरोसा नहीं है ममता बनर्जी को। तुम तो कहती हो ना ममता दीदी कि बंगला और बाहरी, तो ये पुलिस तो बंगाल के ही है। चुनाव आयोग की अगुवाई में टीम बंगाल की पुलिस ही तो काम कर रही है, बाहर की पुलिस तो है नहीं, सीआरपीएफ आई और बंगाल पुलिस काम कर रही है, तो इनको बंगाल पुलिस पे भी भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस किसी को अवैध रूप से गिरफ्तार करती है और उसके परिवार वालों को अब इस रिपोर्ट से और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके बयान से आपको साफ लग जाएगा कि जिन इलाकों में चुनाव है, दरअसल मुर्शिदाबाद और मालदा है, ये वो इलाका है जहां शांतिप्रिय समुदाय के लोग हैं और बांग्लादेशियों को जहां बड़ी तेजी में बसाया गया। ये मुर्शिदाबाद वही इलाका है जो शाहीन साजिश के समय में सबसे ज्यादा उत्पात जहां मचा था, जहां रेलवे की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी इसी मुर्शिदाबाद में डैमेज किया गया था। इसी मालदा इलाके में शाहीन साजिश का रिएक्शन हुआ था, बाबा योगी आदित्यनाथ ने तो सबकी ठुकाई करके ठीक कर दिया था सबको कि जो भी सरकारी संपत्ति को नष्ट करेगा उससे वसूली किया जाएगा, लेकिन ममता बनर्जी के राज में सबसे ज्यादा उत्पात हुआ। कहां शाहीन साजिश दिल्ली में हुई,
कहां ये पूरा खेल जो है सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट सबसे ज्यादा दिल्ली में हुआ, लेकिन रिएक्शन सबसे ज्यादा सरकारी संपत्ति को नष्ट करने का ठेका ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में शांतिप्रिय समुदाय को दे दिया, बांग्लादेश से आए हुए बांग्लादेशी मुसलमानों को दे दिया, रोहिंग्याओं को दे दिया, और वहां सबसे ज्यादा उत्पात सीएए और एनआरसी के नाम पर हुआ, जिसका इस देश के नागरिकों से कोई लेना देना नहीं था। अब इसी बात को देखिए कि क्यों ममता बनर्जी ने आपा छठे चुनाव के बाद खोया है, सातवें फेज से पहले ये खोया है, क्यों ममता बनर्जी ने ऐसा किया है? क्योंकि वो इलाका ऐसा है तो आपको ये लगेगा कि साफ तौर पे जैसे वीरभूमि में जाकर के ममता बनर्जी ने कहा था कि सीआईएसएफ वालों को घेर लो, उनके हथियार छीन लो, उनको चारों तरफ से घेर लेना यदि तुम्हें वोटिंग देने नहीं दे। अब यही हुआ कि वीरभूमि में जो शांतिप्रिय समुदाय के चार लोग मारे गए, जिसमें ममता बनर्जी के उकसावे पर जिन लोगों ने काम किया। अब इस पूरी प्रक्रिया को देखिए कि वीरभूमि में ही उन्होंने वीरभूमि में ही गीतांजलि सभागार में जाकर के उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है और पूरी तरह से उन्होंने प्रोवोक किया है मालदा में। इसका मतलब यह साफ है कि ममता बनर्जी चुनाव के दिन कोई दंगा चाहती है, क्योंकि उन्होंने प्रोवोक उस समुदाय को किया है जो संगठित होकर के गोरिल्ला लड़ने के लिए तैयार रहता है, और उन्होंने प्रोवोक किया है मालदा और मुर्शिदाबाद में अपने वोटरों को कि तुम्हें वोट नहीं दिया जाएगा। और किस तरह से उन्होंने उनके इनके धार्मिक भावनाओं को, मतलब धार्मिक भावना तो नहीं कहेंगे, मजहबी जो जहर है उसको उकसाने की कोशिश की है। मुर्शिदाबाद और मालदा में जो मजहबी जहर है उसको उकसाने की कोशिश की है कि हम नहीं रहेंगे तो तुम्हारा क्या होगा, सोच लो। एक तरह से उन्होंने प्रवोक किया है और पुलिस के ऊपर आरोप लगाया है। इसकी संभावना है कि सातवें फेज में इसका मतलब है कि जबरदस्त हिंसा हो सकती है, मगर अमित शाह पूरी तरह से तैयार है। मुझे नहीं लगता है कि सीआईएसएफ और सीआरपीएफ का जवाब किसी ढंग से करने देगी। इन लोगों की इतनी कुटाई, इतनी थुड़ाई होगी वहां पर कि चार तो निपटे थे, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि जो ही इस ढंग की हरकत करते हुए देख पाए जाएंगे। सीआईएसएफ ने साफ तौर पे निर्देश दे दिया सीआरपीएफ और सीआईएसएफ को, साफ तौर पे चुनाव आयोग का निर्देश है कि कोई भी यदि बूथ कैप्चरिंग या छापा वोटिंग की हरकत करते हुए पकड़ा गया, देखा गया, तो तत्काल गोली मार देना है। तो ये सीआईएसएफ को एकदम से निर्देश है, सख्त निर्देश पूरी तरह से है इनको कि इस तरह से कोई भी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई ही नहीं होगी, उसको शूट आउट कर दिया जाएगा। यह चुनाव आयोग का निर्देश है कि कोई भी यदि बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश करेगी तो उसके साथ क्या किया जाएगा। ममता बनर्जी ने यह आपा खोते हुए प्रवोक किया। हम अभी विश्लेषण करेंगे क्यों ममता ने आपा खोला और उसका दिल्ली के लुटियन मीडिया से क्या रिलेशन है। हमेशा आप देखेंगे कि पूरे षड्यंत्र के पीछे दिल्ली की लुटियन मीडिया की क्या भूमिका होती है। आप देख रहे होंगे ये राडिया टेप की दलाल जो है वो किस तरह से मरघटिया में जाकर के, शमशान घाट में जहां पर लकड़ी रखी हुई है वहां जाकर के मोजो जर्नलिज्म कर रही है। ये जेम्स राय की वही चेली है जो मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल में, न्यूज रूम में, मनमोहन सरकार में मंत्री तय किया करती थी। आज इसकी हरकत स्तर ये आ चुका है इन लोगों का, इसलिए इन सब के दुर्दशा को देखिएगा, तब ये देखिए आगे क्या है। वो कह रहे कि पश्चिम बंगाल में चुनाव शुरू हुए हैं, अब ममता बनर्जी चुनाव बेबुनियाद आरोप लगा रही है ममता बनर्जी को। उन्होंने कहा चुनाव आयोग ने भाजपा की सहायता करने के लिए पश्चिम बंगाल में चुनाव को 8 चरणों में कराया। मतलब ममता बनर्जी की बेबसी देखिए, किसी को भी ये होना चाहिए इतने चरण में चुनाव हो रहे हैं तो निष्पक्ष चुनाव होंगे, क्योंकि ममता बनर्जी बार बार ये कह रही है कि 8 फेज में चुनाव इसलिए कराया गया ताकि भाजपा की मदद। दरअसल 8 फेज में इनको लग रहा है कि छापा वोटिंग ये नहीं करा पाई, बूथ नहीं लूट पाई, इसीलिए बेबसी है, वरना कोई भी मुख्यमंत्री चाहेगा कि निष्पक्ष चुनाव हो। वो बार बार कह रही है कि 8 फेज में, 8 फेज में चुनाव की बेबसी ममता बनर्जी की आप बेहतर समझ पाएंगे। मुझे लग रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, नेशनल मीडिया से ममता बनर्जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक गायब होना अपने आप में कई सवाल करती है। उन्होंने कहा कोविड के आधार बना करके चुनाव आयोग को निशाना साधा और कहा कि बचे चुनाव को एक ही चरण में निपटाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इस मुद्दे पर चुनाव आयोग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि एक बार चुनावों की घोषणा होने के बाद बदलाव नहीं किया सकता है, लेकिन ममता बनर्जी हैं कि मानने को तैयार नहीं है। अब इस पूरी प्रक्रिया को समझने की जब आप कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें स्पष्ट रूप से साफ हो जाएंगी। मैं कहूंगा कि जरा धीरे धीरे इन सब चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। कैसे? ममता बनर्जी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता की हताशा दिखी। ये हताशा ममता बनर्जी की रातों रात नहीं आई है। ममता की जो ये हताशा आप देख रहे हैं
ममता की हताशा। आप जब ये खैराती पाड़ा, ये सुसु पत्रकार गिरोह, इन सब का जब आपको याद होगा कि क्लब हाउस का ऑडियो जो सामने आया था जिसमें प्रशांत किशोर का ऑडियो था, अब ये चीजें पूरी तरह से साफ हो गया कि प्रशांत किशोर ने उस ऑडियो को एक तरह से लीक करवाया था। ये कोई भी चीज यूं ही नहीं लीक होते हैं। कोई भी चीज जैसे केजरी ने कराया, तो केजरी ने जो चीज जो करतूत किया, केजरी ने जो प्रधानमंत्री के साथ वीडियो लीक कराया, ये यूं ही नहीं हुआ। ये अकस्मात ये नहीं समझिए कि केजरी के पास एक रिमोट था और आपके तमाम राष्ट्रवादी चैनल, चाहे वो अदालत लगाने वाले टकले भाई साहब हो या फिर जितने भी ये खराती, जितना भी पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का चैनल हो, सबके सब जो एकाएक दिखाने लगा, वो यूं ही नहीं हुआ। इसका मतलब है कि 600 करोड़ के टुकड़े पे जो पलने वाली मीडिया है, उन सबको पहले से कहा गया कि इतना जो तुम्हें खिला रहा हूं, नमक की कीमत अदा करना चिरकुटो। तो ये केजरी के गुलाम जो पूरी मीडिया, आप सोच लीजिए, एक शहर नुमा, एक कस्बा नुमा राज्य का मुख्यमंत्री यदि मीडिया को ऐसे गुलाम बना सकता है, तो आप कल्पना कीजिए महाराष्ट्र की यदि सरकार चाह ले, पंजाब की सरकार चाह ले, जिसके पास बजट इतना ज्यादा है, नेशनल कैपिटल है दिल्ली, एक शहर नुमा प्रदेश है, कितना छोटा बजट है इसके पास। कोई औकात नहीं है दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास, कोई औकात नहीं है दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास। और दिल्ली का मुख्यमंत्री यदि नेशनल मीडिया को इस तरह से घुटने के बल ला सकता है, तो आप कल्पना कीजिए महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री क्या कर सकता है। यदि बजट पे 100 करोड़ रुपए तो बेचारा ऐसे ही वसूली कर रहा था, 100 करोड़ रुपए वसूली पर मंथ कर रहा था, ये तो 600 करोड़ रुपए का मामला है। 600 करोड़ 100 करोड़ रुपए तो पर मंथ की वसूली ऐसे कर रहा था गुजरात का, महाराष्ट्र का गृह मंत्री, तो चीजें सामने आ गई है। अब सोचिए महाराष्ट्र का बजट कितना बड़ा है। यदि महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात का मुख्यमंत्री यदि अपने ऊपर आ जाए, तो भारत की मीडिया को कैसे गुलाम बना सकता है, आप इसकी कल्पना कर जाइए, और उसके बाद कुछ भी कर सकता है। यदि एक शहर नुमा राज्य का मुख्यमंत्री यूं गुलाम बना सकता है मीडिया को कि 600 करोड़ के टुकड़े पर ही मीडिया पल रही है, कि प्रधानमंत्री के साथ, केजरीवाल को समझ लीजिए नैतिक पतन हो गया है, केजरीवाल प्रोटोकॉल नहीं समझ रहा है। ये मीडिया तो अपने आप को कह रही कि हम तो बड़े पढ़े लिखे हैं, सजग हैं, समाज को जिम्मेदार ठहराते हैं, कैसे 600 रुपए का किया। तो क्या ममता बनर्जी के पास बंगाल भी तो भिखमंगा राज्य तो है नहीं, बना दिया गया ठीक है पिछले 8-10 सालों में, मगर उसके पास कोलकाता है, बहुत कमाई का जरिया है। तो क्या यूं ही ममता ममता कर रहे हैं लोग, या फिर कुछ टुकड़े वहां से भी आए हुए। एक विश्लेषण आज शाम हम जब संदीप के साथ कर रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात रखी थी सामने कि यूं ही नहीं बंगाल के लिए जय जय कर रहे हैं, यूं ही नहीं संसदीवाजों की टोली कोरोना बीमारी के गपर गपर कोरोना बीमारी लेने के लिए बंगाल गया हुआ था। सोचिए ना कि ये संपादक जो न्यूज रूम से बाहर नहीं निकलते थे, जो रिपोर्टरों को नौकर समझते थे, ये खलियर संपादक बंगाल की सड़कों पे कुत्ते की तरह क्यों नाच रहा है। ये पुराने पुराने संपादक जो न्यूज रूम से बाहर, एसी कमरे से बाहर नहीं निकलते थे, वो बंगाल में कुत्ते की तरह सड़क पर क्यों भौं भौं कर रहे थे, किसके लिए कर रहे थे, बिहार में तेजस्वी को जिताने के लिए कुत्ते की तरह क्यों कर रहे थे सनसनीवाजों की टोली। तब समझ में आएगा कि ममता बनर्जी की हताशा, जो आज ममता बनर्जी हताश होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वो हताशा 4 दिन पहले क्यों दिख रहा है। क्यों सोशल मीडिया पर कुछ जो खलियर खिलंदर हैं, या फिर जो कुछ इस ढंग से हताश लोग हैं, वो हेडिंग 2 मई की दे रहे हैं। मैंने कई सारे पत्रकारों का 2 मई का हेडिंग दिखा, उन्होंने कहा कि 2 मई की हेडिंग तो यही लगेगी कि मोदी जीत गए, देश हार गया। मतलब इनने हेडिंग तैयार कर लिया हुआ है। मैंने मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल के कुछ पत्रकारों को देखा कि वो कोरोना पर एक तरह से लगता है हर चीज के लिए मोदी जैसे दोषी हो। 8-8 पीएम केयर्स के लिए माहौल बनाया, राहुल गांधी ने पैसा कहां गया, क्योंकि आदत तो अब तक यही थी कि प्रधानमंत्री रिलीफ फंड का पैसा कांग्रेस का जो है अध्यक्ष रखेगा, वो उसमें होगा ही होगा उसका कार्यकर्ता। तो ये सब दुकानें बंद कर दी गई, तो इनकी आकाओं की दुकानें बंद गई, इन सबकी परेशानी बढ़ गई। अब आज जब ये पूछ रहे थे, आप देखिए यही मोदी की खासियत है, ये चूंकि चोर, यदि आपका चरित्र चोर होने का है, तो आप दूसरे को भी चोर समझेंगे। क्योंकि कांग्रेस का पूरा चरित्र लूट कर रहा है सालों तक, 2G घोटाला, कोलगेट घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, जीप घोटाला, बोफोर्स घोटाला, घोटाला ही घोटाला। तो इसे लगता है दूसरा भी यही काम कर रहा है। इस सरकार के 7 साल में आपकी औकात ये रही कि आपके पेड़ पे पले हुए मीडिया के जो ये खिलंदर हैं, वो एक घोटाला सामने नहीं ला पाए।
आप मतलब ये कैसी मीडिया है कि एक घोटाला इनको तो चाहिए था ना कि कम से कम बिजली घोटाला सामने ला देते कि हर गांव में, देश के हर गांव में बिजली घटी जो है लगी है, कम से कम शौचालय घोटाला ही ले आते, कम से कम ये गैस सिलेंडर घोटाला ही सामने ले आते, कुछ भी नहीं ला पाए। तो इनकी बेचैनी इसीलिए है, इसीलिए ममता बनर्जी के लिए परेशान है। और इसीलिए आज मैं जब सोशल मीडिया को पिछले दो दिनों से देख रहा हूं, ये लोग हेडिंग तैयार करके रखे हैं। क्या हेडिंग तैयार कर रखे हैं? 2 मई दीदी गई उसके जगह पे हेडिंग तैयार करके रखा हुआ है कि मोदी जीत गया देश हार गया। मतलब ये हेडिंग तैयार करके रख चुके हैं, मतलब ये हार मान चुके हैं। ये हार किस दिन मांगे? आपको याद होगा खैराती पाणा जो है बिहार वाला, जो मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल पे काम करता है, उसको देखा होगा कि वो कैसे पूछ रहा है मुझसे, प्रशांत किशोर से, प्रशांत तो क्या एंटी इनकम्बेंसी नरेंद्र मोदी के लिए नहीं है? अब इन चिरकुटों को देखिए। इसीलिए मेरा सनसनीवाज कहता था कि टीवी में पढ़े लिखे के लोगों की जरूरत नहीं है, ये सब अवार्डी गैंग के लोग हैं। सरकार बंगाल में है किसकी? ममता बनर्जी की। एंटी इनकम्बेंसी किसकी होगी? कोई भी थोड़ा थोड़ा मोड़ा जो पढ़ा लिखा होगा उसको समझ में आएगा कि एंटी इनकम्बेंसी राज्य सरकार के लिए। लेकिन जो ही प्रशांत किशोर ने कहा कि मोदी की लहर है, वेव है मोदी की, और प्रशांत किशोर किसके साथ कर रहे थे मीटिंग? ममता बनर्जी का जो एडवाइजर है, ममता बनर्जी की मार्केटिंग करने के लिए जो जिसने करोड़ों रुपए लिए हैं, वो प्रशांत किशोर एंटी मोदी पत्रकारों के साथ बैठ करके वो एक विमर्श कर रहा है कि क्या होना चाहिए, और उसमें वो लीक हो जाता है। लीक क्या हो जाता है? लीक किया जाता है, तय सी बात है, क्योंकि प्रशांत को ये लग रहा है कि चुनाव तो ममता हारेगी, तो कल को तो उसे दुकान लगाना है पंजाब में जाकर के, कल को उसे दुकान लगाना है उत्तर प्रदेश में जाकर के, कल को उसे दुकान लगाना है महाराष्ट्र में जाकर के, तो उसका क्या होगा? इसीलिए प्रशांत ने ये एक भूमिका बना दी और ये कह दिया कि ममता मोहन नरेंद्र मोदी की पूरी वेव है, लहर है, दलित जो है मोदी को वोट दे रहे हैं, हर किसी को लग रहा है कि इस राज्य में हमेशा तुष्टिकरण हुआ है, हर किसी को लग रहा है कि इस राज्य में हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ है। कौन बोल रहा है? ममता बनर्जी की ब्रांडिंग करने वाला प्रशांत किशोर। और कमाल की बात देखिए, जैसे मैंने ब्लू टी शर्ट आज पहना हुआ है, वैसे ही एक ब्लू टी शर्ट पहन करके प्रशांत किशोर सुबह से लेकर के शाम तक तमाम मीडिया को इंटरव्यू दे देता है। और मैं अक्सर कहता हूं आप सबसे कि इंटरव्यू जो दिया जाता है वो नेता की प्लानिंग होती है। आप अक्सर देखेंगे कि गृह मंत्री जब इंटरव्यू देते हैं तो सब चैनल पर देते हैं, कोई नेता जब बड़े लेवल का नेता यदि इंटरव्यू देगा तो सब चैनल को देगा। वैसे ही आपने देखा होगा एक ही टी शर्ट में प्रशांत किशोर ने ये जो क्लब हाउस का जो ऑडियो वायरल हुआ था उसके वेरी नेक्स्ट डे उसने रिपब्लिक से लेकर के एनडीटीवी से लेकर के आज तक से लेकर के तमाम बांग्ला चैनलों सब पे इंटरव्यू दिया आधे घंटे का। समझ लीजिए कि 12-13 घंटे में कंटिन्यू वो एक ही जगह बैठ करके अलग अलग कोने में इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू का जो पूरा सार था वो यही था कि वो कहना चाह रहा था कि कोई प्रशांत किशोर किसी भी नेता को जिता नहीं सकता है। तो काय का पैसा लेते हो भैया इतना? उसने कहा कि हम जीत की मार्जिन को बढ़ाने का पैसा लेते हैं, हम जितवा नहीं सकते हैं। तो प्रशांत किशोर ने उस दिन ही साफ कर दिया कि ममता बनर्जी हार गई है। अब प्रशांत किशोर चूंकि जमीन पर काम कर रहे हैं इसीलिए प्रशांत किशोर ने क्लियर कर दिया वो हार रहे। इस बात को स्वीकार करते करते ममता बनर्जी को आज 24 अप्रैल तक का वक्त लग गया। लगभग 10-12 दिन के अंदर में ये चीजें बदल गई, और ये पूरी लुटियन मीडिया, ये पूरी खैराती मीडिया जो वहां जाकर के ममता बनर्जी के टुकड़े पर लोटपोट हो रहे थे, ये सालों तक संपादक रहे ऐसे चिरकुटों की टोली जिसे जिसका पढ़ने लिखने से कोई मायने नहीं है, यदि पढ़ा लिखा होता तो कभी सवाल नहीं करता कि एंटी इनकम्बेंसी मोदी के लिए नहीं है। ये हताशा दिखाती है कि ये चिरकुट सालों तक सत कैसे काबिज रहे। ये कोई सनसनीबाज, कोई सांप चुचुंदरबाज, कोई सुसु पत्रकारिता का जनक, ये सब बड़ा पत्रकार क्यों रहा? क्योंकि तो स्क्रीन पर यही दिखा तो यही बड़ा हो गया। आज जब ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, इस बात को साफ कर दिया ममता बनर्जी ने कि वो हार गई है। मतलब अब देखिए कि कैसे, ममता ने यूं ही नहीं किया होगा, ममता की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्क्रिप्ट लिखी गई है। बहुत बारीक लाइन, इसीलिए कह रहा हूं ये सामान्य खबर नहीं है।
ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिल्ली की लुटियन मीडिया के खिलंदरों की उस हेडिंग से जोड़ करके देखिए, जो ये कह रहा है कि कोरोना हो गया प्रधानमंत्री, आप बंगाल में चुनाव तो जीत जाएंगे लेकिन देश हार जाएगा। ये इनके खेल को देखिए, लेकिन मैं अक्सर कहता हूं कि ये वक्त भी निकल जाएगा, इनके हर षड्यंत्र का पर्दाफाश हो जाएगा, ये वक्त भी निकल जाएगा इनका ये साजिशी। आज ये क्या कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री ऑक्सीजन भी नहीं दे सकता है, ये पीएम केयर का पैसा क्या हुआ? तो यदि प्रधानमंत्री खुद सफाई देते कि पीएम केयर्स का पैसा क्या हुआ तो लोग विश्वास नहीं करते। तो हाईकोर्ट में मैटर आया गया कि केजरीवाल जो ड्रामा किया, किस स्तर का ड्रामा केजरीवाल कर सकते हैं और केजरीवाल के ड्रामे में किस स्तर की भूमिका होती है, वो देखिए कि कैसे केजरीवाल ने प्री प्लान किया कि प्रधानमंत्री के साथ जो एक बैठक है, जो जो जिसका एक प्रोटोकॉल है, उसको सार्वजनिक, मतलब केजरीवाल सार्वजनिक कर रहा है तो उसकी साजिश का हिस्सा भारत की लुटियन मीडिया हो जाएगी। मतलब 600 करोड़ के टुकड़े पर पिटने वाले निर्लज्जों की टोली को देखिए कि केजरीवाल के एजेंडे का कैसे शिकार हो जाती है। इसीलिए कहता हूं कि इस मीडिया को, इस मेन स्ट्रीम मीडिया को एक मुहिम चलना चाहिए कि सरकारी खैरात से मुक्त होना चाहिए। केजरीवाल के बाबूजी का पैसा नहीं है, वो दिल्ली की जनता के टैक्स का पैसा है जो केजरीवाल ने मुंह पे मारा है नेशनल मीडिया को। आप सोच लीजिए, रीजनल मीडिया को नहीं मारा है। यदि नेशनल मीडिया के मुंह पर 600 करोड़ मारने का ये फर्क पड़ता है तो मैं फिर बार बार कहता हूं कि रीजनल मीडिया कैसे बांध करके रखी होगी। अब फिर मैं कहता हूं कि दिल्ली जैसे कसवाई राज्य का मुख्यमंत्री यदि मीडिया को इस तरह से खरीद सकता है तो महाराष्ट्र और गुजरात जैसे संपन्न, पंजाब हरियाणा जैसे संपन्न राज्य के मुख्यमंत्री क्या कर सकते हैं? ये तो देश के संपन्न राज्य है ना, महाराष्ट्र है, गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा है, ये तो देश के संपन्न राज्य है। जब दिल्ली का मुख्यमंत्री खरीद सकता है तो महाघाड़ी की महावसूली सरकार के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि जब केजरीवाल खरीद सकता है, केजरीवाल की औकात क्या है, दिल्ली की औकात क्या है भाई, एक नेशनल कैपिटल, शहर नुमा प्रदेश। तो इसलिए इस बात को समझिए कि मुझे लगता है कि मुहिम चलना चाहिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया का, ये जनता के फंड का जो सरकारी पैसा है उसका एक लिमिट होना चाहिए कि एक स्टेट जिसका बजट इतना है, इस बजट का इससे ज्यादा हिस्सा कोई मीडिया को नहीं दे सकता है। मुझे लगता है कि ये मुहिम चलना चाहिए और इसके लिए केंद्र की सरकार पर प्रेशर बनना चाहिए, वरना इन सब के लाइसेंस रद्द किए जाने चाहिए, वरना ये लाचारी ये होगी कि जनता के हित के चीजों को नहीं दिखाया जाएगा। तभी ऐसा होता है कि दिल्ली हाईकोर्ट में जब तक ये मैटर नहीं जाता है तब तक ये पता नहीं चलता कि पीएम केयर से 8 प्लांट लगाने थे केजरीवाल को, लेकिन केजरीवाल ने लगाया नहीं, तो कहां गया उसी पैसे को, मीडिया को मुंह पे मार दिया क्या? ये आरोप लगाया जाना चाहिए कि पीएम केयर से जो दिल्ली में जो प्लांट लगाने के लिए पैसे मिले ऑक्सीजन के, वो केजरीवाल ने क्या किया? क्या वो पैसा उठा करके मुंह पे मार दिया दिल्ली में बैठे संपादकों को, और इसीलिए कोई भी संपादक केजरी के प्रवक्ताओं से कोई गंभीर सवाल नहीं करता, तमाम राष्ट्रवादी भी? इसलिए इसे मनी लॉन्ड्रिंग से चलने वाले एंटी नेशनल और चीनी एजेंट चैनलों की बात मत कीजिए, आपके सो कॉल जो राष्ट्रवादी चैनल हैं उनकी उनके मुंह पे ताला कैसे लगा दिया गया इस 600 करोड़ से, ये समझ में आएगा। तब समझ में आएगा कि ममता बनर्जी के लिए मार्केटिंग कैसे की जा रही थी। तब समझ में आएगा कि ये 2 मई से पहले अखबारों की हेडिंग कैसे तैयार कर लिया गया कि मोदी आप तो जीत गए, देश हार गया। कैसे देश हार गया? आज देखिए कि पूरी तरह से दुनिया भर के देशों से भारत सरकार ने जो पूरी कोरोना से फाइट करने के लिए तैयारी की है, इसलिए कि कई लोग कहते हैं कि हम ये लड़ाई चूक कैसे गए, ये लड़ाई हम हार कैसे गए। हम हारे नहीं, हमने 13 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कराया। यूरोप के, पूरे यूरोप की पॉपुलेशन 13 करोड़ नहीं, हमारा पॉपुलेशन ऐसा है। ठीक है, हम इस वेव को पहचान नहीं पाए। आज अमेरिका ने कहा कि हम निर्यात नहीं करेंगे और हमने हाइड्रोक्लोरोक्सीन हम अमेरिका को दिया था उस समय में जब अमेरिका विपदा में था। आज अमेरिका ने मना कर दिया, कहा हमारी प्रायोरिटी हमारे देश की है। यदि भारत यही सोच लेता तो बहुत दुनिया के बहुत सारे देश में लोग मर रहे होते, लेकिन छवि आपकी कैसी जाती। ये कल्पना नहीं था कि इस तरह से वेव आएगा, सेकेंड वेव, लेकिन 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करा दिया गया है। जब तुलना आप न्यूजीलैंड से करने के लिए बैठता है ये पारा टाइप का पत्रकार, तो समझना चाहिए कि न्यूजीलैंड का जो पॉपुलेशन है वो दिल्ली के
जो चौथे हिस्से का भी पॉपुलेशन नहीं है। तो न्यूजीलैंड की तुलना भारत से करने वाले चिरकुट कैसे आपको गुमराह करते समझिएगा। दिल्ली का जो पॉपुलेशन है उसका 1/4 भी न्यूजीलैंड का पॉपुलेशन नहीं है, तब ये समझ में आएगा कि खेल क्या हो रहा है। इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया को आप सबको समझना चाहिए कि हो क्या रहा है। ममता बनर्जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी हार क्यों स्वीकार कर ली है? क्यों आज से पहले आपने कभी सुना कि कोई मुख्यमंत्री चुनाव से पहले कहता हो कि अभी दो फेज का चुनाव बाकी है और उन इलाकों में चुनाव बाकी है जिन इलाकों में उसका गढ़ माना जाता है, जहां प्रधानमंत्री के चार चार रैली होने थे लेकिन नहीं हो पाए, माना जा रहा था उन इलाकों में प्रधानमंत्री रोड शो भी करेंगे लेकिन हो नहीं पाया उस इलाके में, क्योंकि लोगों ने मन बना लिया है कि ममता बनर्जी को जाना होगा। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद मैं फिर कह रहा हूं कि ममता बनर्जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो यूं ही नहीं है। इसका मतलब इसको ईवीएम से पूरी तुलना करके देखिए। जैसे पहले ये ईवीएम चिल्लाते हैं और यदि जीत जाते हैं तो चुप्पी लगा देते हैं और हार जाते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम के कारण हम हार गए, तो आज ममता बनर्जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस ने साबित कर दिया कि वो चुनाव हार चुकी हुई हैं, 2 मई से पहले हार चुकी हुई हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि 2 मई के बाद ये फिर इस देश में दंगा कराने की एक साजिश होगी कि कैसे इस देश का प्रधानमंत्री लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। बंगाल का चुनाव था, ये जरूरी था कि बंगाल से इनका खात्मा होना। कई बार आप लोग कहते हैं कि ये लुटियन मीडिया पर कार्रवाई नहीं हो सकती है क्या, ये झूठी खबर फैलाने वाले के ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती है। इनको समझना पड़ेगा इनकी ताकत, ये खत्म होते हुए बिलबिलाते लोगों की ताकत को समझिए। इंटरनेशनली प्रभाव है इनका, तभी किसी को मैग्सेसे अवार्ड मिल जाता है, तभी किसी को नोबेल पुरस्कार मिल जाता है। ये अवार्डी गैंग है क्योंकि इनके खिलाफ जो ही आप कार्रवाई करेंगे इंटरनेशनली भारत को बदनाम करने का षड्यंत्र होगा। इसीलिए धीरे धीरे, जैसा हम लोग आज शाम में विश्लेषण कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी का स्टाइल ये है कि जड़ से समूल नष्ट कर देना, जैसे शाहीन साजिशों का कर दिया गया, जैसे किसानों का धीरे धीरे कर दिया गया। मोदी ने इसी स्टाइल में अपने सामने के राक्षसों का वध किया है और यूं ही नहीं गुजरात से वो यहां तक आए। योगी का स्टाइल अलग है जो हमें ज्यादा पसंद आता है हम सबको, लेकिन दोनों के लड़ने का हर चीज की एक दूसरे की कॉपी नहीं होती है। आज ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने साबित कर दिया कि भविष्य में इन सबको अपने आंसू बचा के रखना चाहिए, इन्हें और रोना है। और ये भय बेचने वाले जो राक्षसों की टोली है, इनका भय का धंधा खत्म हो जाएगा। बस कुछ दिनों का इंतजार कीजिए, इनके भय का धंधा खत्म होने वाला है। कुछ लोगों के आप लोगों के सवाल ले लेता हूं, आज शनिवार है तो 2-4 लोगों का सवाल कम से कम ले ही लूं। रूपर एसके कह रहे मनीष जी कहना तो नहीं चाहिए लेकिन ममता बनर्जी डोनाल्ड ट्रंप जैसे बर्ताव कर रही है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप को जब पता चला था कि अब वो हारने वाले हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का क्या हुआ, क्या हर्ष क्या हुआ सो देखिए। हारे हुए लोग ये हारे हुए हैं, ऐसे ही हारेंगे। ममता बनर्जी, हाँ एक चीज ये है कि मुझे लगता है कि गृह मंत्रालय को बहुत सक्रिय होना चाहिए क्योंकि ममता एक दूसरे किस्म की लड़की महिला है। ममता बहुत आसानी से फसाद करा सकती है, लेकिन जिस ढंग से चौथे फेज और पांचवें फेज में चुनाव आयोग ने एकदम से पूरा निर्देश दे दिया हुआ है, उससे मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी है कि इन लोगों के लिए फसाद कराना मुश्किल होगा। और खास करके जब आपकी सत्ता चली जाती है, 2 मई के बाद इनके लिए बहुत मुश्किल हो पाएगा। जब आपके हाथ से सत्ता चली जाती है तो आप बहुत खेल कर नहीं पाते हैं, और उसके बाद सरकार सत्ता के पास बहुत ताकत है। आप इसको ऐसे रूप में सोचिए, उत्तर प्रदेश में जाहिलों की संख्या कितना है, दंगाइयों की संख्या कितना ज्यादा है, लेकिन योगी का डर देखिए कि आजम खान जेल गया, चू शब्द कोई नहीं बोल पाया। अतीक अहमद मुख्तार अंसारियों का हर्ष देखिए। आप जो नैतिक रूप से कमजोर होते हैं, बेईमानों की टीम बहुत हो हल्ला, खास करके सोशल मीडिया के दौर में आप नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि आगे ऐसा होगा, उनको ये समझना चाहिए कि अतीक अहमदों, मुख्तार अंसारियों, विकास दुबे का जो हर्ष किया योगी ने, उसके बाद चू तक नहीं बोल पाए। जो आजम खान इतना बड़ा बरबोला था, संसद में जाकर के गुंडागर्दी करता था, वो आजम खान पत्नी समेत बेटे समेत जेल गया, कुछ नहीं उखाड़ पाया। इसीलिए सत्ता और इन सब चीजों की अपनी ताकत होती है, और आगे आगे देखिए होता है क्या। मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि मनीष जी हमारी हेडलाइंस होगी बंगाल की जनता जीत गई, खैरातियों की जल गई।
चलिए तैयार करके रखिएगा उस दिन के लिए, बहुत सारी चीजों का है, लेकिन मुझे लगता है कि ये भय का, डर का जो खेला है, ये डर का भय का जो खेल है, ये कुछ दिनों का है। और मुझे लग रहा है कि ये कोरोना वाला मामला भी एक सप्ताह के अंदर ये पूरा कंट्रोल हो जाएगा, 2 मई से पहले चीजें नॉर्मल हो जाएगी, और ये अंतिम सांस जो खैराती लड़ रहे हैं भय का माहौल देश में बना करके, कि भय के माहौल से अराजकता फैला करके, देखिए ये क्या नाम है, राडिया टेप वाली को देख रहे होंगे आप लोग, कहां कहां घूम घूम के मोजो कर रही है, ये पूरा इन सब के लिए फंडिंग होता है, और इसीलिए ये पूरा खेल इसी रूप में कर रहे हैं। धीरे धीरे सबका, इन सबका जो है, इन सबका खेल समाप्त हो गया है। 2 मई पक्का दंगा होगा। आशीष परमार कह रहे हैं तैयारी तो इन लोगों ने की है, और आज जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट को लेकर के ममता बनर्जी ने जो बात कही है, मुझे इस बात का पूरा भरोसा लग रहा है कि पूरी तैयारी, ये हार की मनोवृत्ति है, ये भय है, और इसको स्वीकार कर लिया गया। वरना कोई ऐसा कहता है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अब ये चले जाओ सुप्रीम कोर्ट, यदि आपको ऐसा लग रहा है तो सुप्रीम कोर्ट तो अभी चले जाना चाहिए, मतलब हम 2 मई के बाद जाएंगे, क्यों भाई, रिजल्ट आएगा तो हम उस हिसाब से करेंगे। तो इसी खेल को, मुझे लगता है इस खेल को समझना था और आप सबको बताना था कि क्यों इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की चर्चा मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है, यही आपको समझाना था, यही आपको बताना था। मुझे लग रहा है कि इस खेल को हम सब बेहतर तरीके से समझ पाए हैं, और इसको समझने की जरूरत है और मेंटली तैयार रहने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत आभार।